उज्जैन नागदा रोड के उन्हेल में ताला सुधारने आए दो पंजाबी सरदारों द्वारा लाखों रुपए की ज्वेलरी कर हाथ साफ किया गया। आज उन्हेल में चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए व्यापारी ललित मदनलाल के निवास पर अलमारी की चाबी बनाने के लिए आए दो कारीगरों द्वारा अलमारी में रखे करीब 150 ग्राम सोने पर हाथ साफ कर गए। आज दिनांक के हिसाब से करीब 7.5 लाख रुपए की बताई जा रही है। थाना प्रभारी पुलिस दौलतराम जोगावत के मुताबिक फरियादी की रिपोर्ट करने के पश्चात आसपास के थाना क्षेत्र पर घटना की जानकारी मिली है। जिला मुख्यालय को भी अवगत कराया गया है। मौके पर जाकर तस्दीक की गई, मामले की जांच की जा रही है। अभी कुछ देर पहले बड़ा बाजार उन्हेल से श्री ललित कुमार जी जैन तथा मदन लाल जैन आए। इन्होंने रिपोर्ट करी है कि दिनांक 25 को दो सरदार आए थे इनके यहाँ और तो ताले चाबी सुधारना काम करते थे, जो गोदरेज के अलमारी पर डबल मंजिल पर ले गए थे इनको, और उनको लॉक खराब था तो उन्होंने पुराना ताला लगा के चले गए थे कि दो दिन बाद हम आएंगे और उसके बाद हम नया भी फिट कर जाएंगे। जो आज करीबन ये 4:45 बजे आए हैं और 7 बजे ये नया ताला लगा के चले गए। उन्होंने 170 रुपये जो उनकी मजदूरी थी उन्होंने नहीं ली, तो उनको नीचे आके देखा तो दोनों सरदार टाइप के दो व्यक्ति से नहीं मिले। एक आदमी 40 साल का, एक 45 साल का नजर बताया उन्होंने, और उनको जो शंका हुई कि उन्होंने जाके गोदरेज की अलमारी देखा तो उन्होंने करीब बता रहे हैं कि 6 चूड़ियाँ और 4 जोड़ टॉप्स और एक ब्राउन कलर का जो बक्से में इसमें था वो नहीं मिला। और मौके पर ये थे लेकिन इनकी निगाह चुरा कर इनकी पत्नी सरला जैन की रकम थी वो, और वो करीब 15 तोला चोरी की नीयत से निकाल के ले गए हैं। और मैंने वर्तमान में पुलिस कंट्रोल रूम को वरिष्ठ अधिकारी बता दिया है और मैंने पार्टी को रवाना कराई है और फरियादी बस के परिवार के लोग भी तलाश में जुटे हुए हैं।